सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद लिंगानुपात में सुधार तो हुआ, लेकिन अभी भी दहेज के लोभी अपनी पत्नियों को इस कदर परेशान करते हैं कि कई बार पत्नियां उनसे परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। एक ऐसा ही मामला पानीपत के मनाना गांव से निकलकर सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों से दहेज के लिए परेशान होकर फांसी का फंदा लगा लिया, लेकिन करीब एक महीना 10 दिन तक वो मौत और जिंदगी के बीच में जंग लड़ती रही, लेकिन देर रात वो जिंदगी की जंग से हार गई और उसकी मौत हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार पानीपत जिले के गांव आदियाना की रहने वाली सुनीता की शादी गांव मनाना के रहने वाले पंकज के साथ करीब 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पंकज और पंकज का परिवार सुनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर सुनीता ने 23 मार्च 2023 को फांसी का फंदा लगा लिया, और जिसके बाद पंकज और उसके परिवार के लोग उसे सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां सुनीता को उसके मायके वाले निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन सुनीता ने 4 मई 2023 को अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही पानीपत की थाना समालका पुलिस को इसकी सूचना मिली, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया और मामले की जांच कर रही है। मृतका सुनीता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी उन्हें शादी के बाद से ही ये बताती आ रही थी कि उसका पति सास ससुर उसे दहेज के लिए तंग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें 23 मार्च को यह सूचना मिली कि उनकी बेटी को कुछ हुआ है, जिसके बाद हम उसे लेकर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से उसे सोनीपत लेकर आ गए, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी बेटी के गले पर फांसी के लगाने के निशान मौजूद थे। मेरी बेटी 3 महीने की गर्भवती थी। हमने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दे दी है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। 4 महीने शादी न हुए थे, जब से भी शादी करे थे उसी टाइम से शिकायत कर रहे थे, फिर मेरी सासू ननद परेशान करते और करते करते ये 1 साल 4 महीने हो गए। उसके बाद फोन आया मेरे पास 1:30 बजे, गरा अब मैं दुखी हूँ, मेरे को ले जाओ और मेरे को खतरा है जी। तो 1 घंटा बाद फोन आया कि भाई आपके लड़के के साथ कुछ हो गया, आप जल्दी आ जाओ। हम गए तो अच्छा होया पाया जी। ऐसा मत अभी इलाज के दौरान रहते हुए हाँ जी, 1.5 महीना पे 1.5 महीना वो अस्पताल में रही, 1 महीना 6 दिन बोली है नहीं। अच्छा, बड़े पे निशान थे। इसके हस्बैंड क्या करते हैं? वो घर पे खाली रहते हैं। क्या नाम उनका? पंकज। कौन से गांव में शादी की? मनाना। आप कौन से गांव के? हरियाणा। बस घर में सास है ननंद है, उसको परेशान करते थे हर बार। तो मतलब ये लंबे नहीं है, सुंदर नहीं है हमारे पास, तो और ज्यादा अच्छी लड़की आ जाती है, ऐसे ऐसे कई बार घटना घटी है। कितनी पढ़ी लिखी थी बेटी हमने? वो भी ये करी थी। अजी 1 साल 4 महीने। हाँ दे दी। हाँ जी, प्रेग्नेंट थे, 3 महीने का बच्चा था प्रेग्नेंट। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिला। 23-26 को समालका मेडिकल से सूचना प्राप्त हुई, एक औरत ने फांसी लगाकर इलाज के लिए दाखिल है, तो उसके पश्चात वहाँ से रेफर होकर दिल्ली चले गए। दिल्ली से रॉयल अस्पताल सोनीपत इलाज चलाया था, दौरान इलाज कल दिनांक 4/5/23 को मौत हो गई। परिजनों ने पीड़िता के मृतका के भाई ने दरख्वास्त दी है, भाई उनके पिता पति सास ससुर और ननद ने दहेज के लिए तंग किया है और उसके चलते तंग आने का फांसी का लिया। महिला के पेट में बच्चा भी थे? ये तो डॉक्टर बताएंगे जी। 3 महीने का बच्चे की बात कर रहे हैं? ये डॉक्टर डॉक्टर ही आएगा जी। मामला दर्ज होगा? हाँ, मामला दर्ज कर लिया जाएगा। तो परिवार ने कंप्लेंट बताया कि हमारी बहन की पेट में 3 महीने का बच्चा? नहीं, ये दरखास्त में नहीं आ रहा है, ये डॉक्टरी पोस्टमार्टम में आएगा जी।